हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मदर्स यूनिक रेसिपी। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज मैं मसूर दाल की पकौड़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो सिर्फ 5 मिनट में बन जाएगा। रेसिपी कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अंडे लिए हैं, मसूर दाल, प्याज और मिर्ची लिए हैं। मसूर दाल को हमने भिगो के रखा था, अब इसको हम पीसेंगे। अच्छे से मसूर दाल हमने भिगो लिया था, 1.5 घंटे भिगोया था। अब ये पूरी तरह से भीग चुका है, इसको हम पीसेंगे, एक पेस्ट बनाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। हमने अंडे जो है बॉईल करके रखे हैं। अब हम प्याज और मिर्ची को छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लिए हैं। बॉयल अंडे को हम मसूर दाल की पेस्ट में अच्छे से मिक्स करेंगे। दोनों अंडे को हमने तोड़ लिया है, अब मसूर दाल में हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, आपस में अच्छे से मिलाएंगे। फिर इसमें हम प्याज के पीसेस और मिर्ची के पीसेस ऐड करेंगे। ये अपने टेस्ट के अनुसार आप मिर्ची के पीसेस ऐड कीजिएगा, जितना आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से। फिर अच्छे से इसको मिलाइए। देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है, बॉयल अंडा, मसूर दाल और प्याज और मिर्ची को। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसमें हम मस्टर्ड ऑयल ऐड किए हैं। मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। मस्टर्ड ऑयल जब गर्म हो जाएगा उसके बाद हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे, लो टू मीडियम में रखेंगे। उसके बाद हम पकोड़े फ्राई करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके लेके हम ऑयल में ऐड कर रहे हैं। आप अपने पसंद के अनुसार साइज बना सकते हैं, छोटा बड़ा, आपको जिस साइज का पकोड़ा चाहिए। फ्लेम को जो है लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम में रखेंगे तो ये बाहर से जल जाएगा। अब सावधानी से इसको पलटना है, बहुत ही सावधानी से पलटना है, नहीं तो टूट जाएगा आपका पकौड़ा। बहुत ही सावधानी से सारे पकौड़े को पलट दीजिएगा और दोनों साइड अच्छे से फ्राई कीजिए लो टू मीडियम में, ताकि अंदर भी अच्छे से फ्राई हो। हाई फ्लेम में करेंगे तो बाहर एकदम जल जाएगा और अंदर जो है कच्चा रहेगा। देखिए हो गया है हमारा पकौड़ा। अब इसी तरह से हम बाकी भी मिक्सचर ऐड करेंगे। मेरा रेसिपी कैसा लगा वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसको गर्मा गर्म आप सॉस या केचप के साथ खा सकते हैं, या गर्मा गर्म राइस के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी होता है, बहुत ही टेस्टी, और बस 5 मिनट में बन जाता है। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।